कुछ होते होते भी ना मेट्रो में घुमान लेके आते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। देखा आपकी बेटी ने क्या करा है? आपको पता ना आपकी बीवी ने क्या काम करा आज? बेटा गलत काम किया। टॉप टू बॉटम पूरे रेडी हो गए, बट आप सोच रहे हो ना जहाँ कहाँ रहा है, तो गाइस हम जा रहे हैं ट्रेड फेयर। हाँ अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट बिजनेस जो डेज होते हैं वो स्टार्ट हो चुका है और मम्मी को ऑफिस से टिकट मिलती है, तो हम वहीं से जा रहे हैं, वहीं से घूमेंगे ट्रेड फेयर। थोड़ा हर साल जाते हैं, मतलब कोरोना के बीच में नहीं जा रहे थे बट हमेशा जाते हैं, तो मैं और मम्मी मस्त घूमने जाएंगे ट्रेड फेयर। वहाँ पर आपको दिखाते हैं कैसा होता है सब कुछ, क्या क्या होता है, क्या हम खरीदते हैं, और चलो चलते हैं हमसे। और ये देखो, लेट्स गो। कुछ होते होते भी ना मेट्रो में घुमान लेके आते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं आया था यहाँ पे 12:15 पे और 12:45 मैं वापस जा रहा हूँ। ये बोर हो गए हैं यहाँ पर आकर, पर हमें तो बहुत मजा आ रहा है। अभी तो हमने स्टार्ट किया है मैं तो शुक्र मना रहा हूँ गाड़ी पे नहीं आया, वरना मेरे को बैठना पड़ जाता शाम तक। फसा दिया है यहाँ आगे। ये वापस जा रहा है, ये तो दे दो। अपना सामान लिया मैंने और अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज। सीधा यहाँ से कॉलेज जाऊँगा और उसके बाद कॉलेज में जाके दोस्तों से मिलते हैं। अब मैं जा रहा हूँ घर, बहुत ज़्यादा बोर कर दिया इन लोगों ने। देखा आपकी बेटी ने क्या करा है? मैंने वहां भाई 3 बार पूछा कि चाबी दे दो, चाबी दे दो, चाबी दे दो, दी नहीं। कहती नानी के पास पड़ी है। मैंने उसे थोड़ा हाथ से पकड़ी थी, मैं कहने लगी है, फिर मैं क्या करनी, सन्नी ना आ जाना। मेरे को तो, मैंने कहा सोचा कॉलेज चले जाऊंगा, चाबी घर से ले लेता हूँ। हाँ। पोपट हो गया, अब जा रहा दोस्त के साथ घूमने। हुआ ये कि मैं ट्रेड फेयर में था, मैं हो गया वहाँ बहुत ही ज्यादा बोर, आपने देखा ही। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं घर जाता हूँ, घर से चाबी उठाता हूँ गाड़ी की और वहाँ से निकल जाऊँगा कॉलेज के लिए। 2 बजे पहुँचता था, मेट्रो से 2:30 बज जाते हैं। मैं घर पे आया, मैं मम्मी को कॉल, नानी को कॉल करा कि चाबी निकाल के रखो, मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने नानी कहती चाबी तो आई नहीं, मैंने मम्मी को कॉल किया, मैं कहा आप तो घर से नानी के पास है, क्योंकि मैं तो भूल गई चाबी मेरे पास ही है। और मैंने उस टाइम बोला था कि चाबी कहाँ है, तो कहती नानी के पास, और अब कह रही चाबी तो मेरे पास है। अब नीचे बैठा तो बहुत देर से कॉलेज, वैसे लेट हो गया, तने शाम में कॉल करा उसका, थोड़ा घूम फिर के आता हूँ और फिर पापा तक मम्मी तब तक तो आ जाएंगे, फिर ऊपर से ले आऊंगा। बट अब जाता हूँ घूमने और मिलता हूँ घूम के। भाई एक बार जाम देखो यार, तुम देख के लग रहा है चलो कॉलेज नहीं गया मैं तो। भाई ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, यहाँ पे वाले इधर नहीं आ पा रहे, ये वाले उधर नहीं जा पा रहे, बुरा हाल हो गया भाई। थैंक गॉड कॉलेज की हो गई छुट्टी। घूम लिया अच्छे से और आज मेट्रो में घूमना पड़ता है, क्योंकि घर की चाबी तो मेरे पास थी नहीं, और घर की चाबी थी नहीं तो गाड़ी की चाबी मिल नहीं पाई, इसलिए ऑटो में यात्रा करी आज। और ऑटो की यात्रा रही बहुत अच्छी, सामने है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा दिल्ली का ट्रैफिक। बट एक बात हो गई, पोल्यूशन झेलना पड़ रहा है, बाहर पैदल चल रहे हैं ना, बट कोई बात नहीं, अब सीधा चलते हैं घर। और मम्मी पापा तो आ ही गए होंगे, अब उनसे पूछता हूँ उनका एक्सपीरियंस रहा कैसा। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। अब जाके पूछते हैं मम्मी पापा से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको पता ना आपकी बीवी ने क्या काम करा आज? हाँ बेटा गलत काम किया। गलत किया, घर से भाग गई है। घर से मेरे को निकाल दिया भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई बाहर 2 बजे निकला हूँ धक्के खाता हुआ, फिर मैं कहा निकला ही हूँ तो आराम से आऊंगा ना घूम घाम के। इतने ऐसे बोलने की जरूरत क्या है चोली। भाई मैंने 3 बार पूछा चाबी है कहाँ, चाबी आपके पास है, चाबी हाँ चाबी मेरे पास है, जाओ तू नानी को दे रखी है, नानी को दे रखी है, जाओ या 2 बजे घर पे घुसा हूँ, नानी अपना पाठ करने लग गई, मैं बोर, मैं करूँ तो करूँ क्या, ऊपर आ नहीं सकता, लैपटॉप था नहीं, फोन में चार्जिंग थी नहीं, तो बाहर धक्के खा के आया हूँ। ऐसे मजे नहीं चाहिए मम्मा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, आपको ट्रेड फेयर कैसा लगा? ठीक जैसा लगता है। जैसे लगता है अकेले घूमते जा रहे थे। फिर मेरे मामा जी मिल गए, मेरे मामा जी मिले वहाँ पर, मैं खुश। फिर मैं मामा जी के साथ घूमा, फिर हमने लंच करा, फिर आइसक्रीम खाई, फिर हम घर आ गए। और यहाँ बच्चे बार धक्के खा रहा है, ऑटो रोक रहा है, ऑटो भैया रुक जाओ ले जाओ, घर में तो है नहीं कोई गरीब को। सही में गरीब तो नहीं है। तो फाइनली घूम घाम के मैं आ गया, अब कुछ खिलाओगे? मैं तो खा के आया हूँ,
रात को खाऊंगा समोसा पड़ा कहाँ से लाओ फिर खा लूंगा ये देखो हो सकता है बताओ आपके ना से आते दूरे काम होते हैं मैं सच कह रहा हूँ कभी बेड चद्दर ला देते हो कभी प्लेट टूटी हुई ले आते हो फिर कहते हो मैं तो आइसक्रीम खा के आई हूँ लंच करके आई हूँ खा के आई हूँ ये तेले समोसा लाइए और ये जो टूटा फ्रेंड समोसा खाए बस आओ बहन समोसा खाए टूटी हुई प्लेट लेंगे वहां से भी कुछ लाया मेरे लिए अंकल आए हो क्या क्या ये क्या खाली लिफाफा लाए क्या हो ये तो अपने लिए लाए हो मेरे लिए स्पेशली कुछ लाए हो किसी काम की नहीं है मेरी इसका मैं करूं अपनी गर्लफ्रेंड को दियो गर्लफ्रेंड ही नहीं है गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे आज के लिए इतना था आई होप आपको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा यार एक मिनट तो ट्रेड फेयर तो बहुत ही ज़्यादा बकवास था और बाहर को मैं आवारा घूम रहा था बट कोई बात नहीं आ गए घर पे अब सोएंगे आराम से कल कॉलेज जाएंगे व्लॉग एडिट करेंगे और ठीक है गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे विल मीट टुमारो विद अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग टिल टाइम स्टे सेफ स्टे हैप्पी बाय 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 बाय